अपने छोटे बच्चे को क्लास 9 से लेके का बच्चा है एवं क्लास 6 में यू विल गो टू खान एकेडमी, अगर आप जानते हो, सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी सलमान खान ही है जो खान एकेडमी वाला है, बट खान स्टाइल एकेडमी KSA बोलते हैं। IIT के स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हम खान एकेडमी से लेक्चर पढ़ लेंगे। That is the beauty. और खान एकेडमी आपको क्लास 5th के बच्चे को भी क्या पढ़ाना है, वो that it gives by the OER, that free videos, उसको पढ़ा के देखिए, करके देखिए, you will see the difference from your traditional thing when moms are sitting with the steak or something ready with all their efforts and gadgets. वो डिफरेंस होगा, बच्चे को टीवी की तरह देखने में मजा आएगा, लर्निंग करेगा तो उसको दैट लर्निंग विल बी वेरी इफेक्टिव, और अच्छा उसको कुछ चेंज लगेगा, इफेक्टिव तो शायद बाद में पता चले थोड़ा बहुत आपको, लेकिन आपको कम से कम वो उस चीज के लिए अट्रैक्शन से कुछ देर बैठेगा तो सही सीटिंग के लिए। अपने बच्चों में करके देखिए, खासकर 11th 12th के बच्चे आपके जो है, जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं तो बच्चा में प्रेशर इतना होता है, तो क्यों ना उसको कुछ चीजें जो है उसके माध्यम से करके देखिए। यू ट्राई दिस थिंग, पहले अपने घर से स्टार्ट करके देखिए, then you will see the difference. Now, I'll be moving to this OER in India, challenges, barriers and some activities. Open educational resources, Indian government, MHRD, government of India have entered in this. MHRD, government of India has entered in the OER, open educational resources. Halanki hamare paas, we are not having that much रिसोर्सेज, इतना पैसा नहीं है, हम जानते हैं हमारे यहाँ PG कॉलेजेस में, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, ये सभी बेहतर जानते हैं, बट एटलीस्ट समथिंग कैन बी डन, डोंट बी पैसिमिस्टिक, एंड दिस इज द रे ऑफ होप। नो OER इन इंडिया, नेशनल OER रिपोजिटरीज इंक्लूड दिस थिंग, NPTEL, आई मूव टू वन बाई वन टू दीज स्लाइड्स। नाउ मूविंग टू swayam.gov.in, आज पहली जैसे ही आप घर की तरफ को जाते हैं, अपने रूम की तरफ जाते हैं, तो स्वयं की साइट को जरूर स्क्रॉल कीजिए, swayam.gov.in. स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इट इज एन इंडिजिनस ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs, डेवलप्ड अंडर द NME ICT एंड इट इज विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it supplements the formal education system in the country from high school to higher education. They have started from 9th, they have taken from 9 to PG. Okay. Courses based curriculum are there for continuing education and skills. Swayam is an indigenously developed IT platform, government of India ne Microsoft se banwaya hai ye platform, kafi paisa isme jata hai har saal scheme maintenance wagera ke liye, that facilitates hosting of all the courses taught in the classroom from 9th class to till post graduation to be accessed by anyone anywhere at any time. You know, three cardinal principles. What are the objectives? I told you, they are the three cardinal principles by the education policy: access, equity, and quality. To fulfill these needs, हर एक की पहुंच हो, सबको बराबर ढंग से चीजें मिले, और quality की चीजें education के रास्ते, that is our objective. क्या हम ये अपनी क्लास में कर पाते हैं? Access. दिमागी तौर पर हो सकता है, फिजिकली सारे बच्चे बैठते हो, क्या दिमागी तौर पर सभी बच्चों की एक्सेस हमारी तरफ होती है? होती है तो कितनी देर तक होती है? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, मैक्स 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड, इट मींस लर्निंग फॉर ऑल, वन टू वन और वन टू वन क्लास नहीं, वन टू ऑल। If I can teach this topic, I am not telling the subject. Even if a simple topic, I can effectively deliver. Why can't this should be open for all students? That can be done with the help of OER. To bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. There are so many students who don't have the reach. I told that many students hesitate. That barrier can be overcome with the help of these platforms. Contents of Swayam, interactively qualitative
interactive quality MOOCs for the students from class 9 to 12. Each MOOC, massive open online course, may be credit based or non-credit based, with free access to content for certificate and exam if you passed after a payment of an amount. होता क्या था? ये e-content अगर आप देखेंगे, e-content क्या होता था कि एक audio video बना, उसका एक content डाल दिया, e-content publish हो. In last API system, it was also a 10 modules. हर मॉड्यूल के लिए 10 मार्क्स के प्रावधान भी रखा गया था. अब वो MOOC सिस्टम में मॉड्यूल जो बने, ईच MOOC विल हैव 4 क्वाड्रेंट्स. वन वीडियो लेक्चर, ऑडियो वीडियो विल बी दैट. सेकंड इज स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, दैट दैट रीडिंग मटेरियल विल बी प्लैगरिज्म फ्री, नो कॉपी पेस्ट. थर्ड, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस विल बी प्रोवाइडेड, एंड फोर्थ, एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सिस्टम बना और उसको पढ़ने के लिए छोड़ दिया. देयर विल बी द इंटरवेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थ्रू आउट द कोर्स विद द ऑनलाइन लर्नर्स. ऑनलाइन लर्नर्स विल रेज देयर क्वेरीज इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक फेसबुक स्टेटस में होता है. फेसबुक में होता है, हम बात करते हैं, लाइव चैट चलती है ना फेसबुक की, डिस्कशन फोरम इज लाइक दैट ओनली. एंड दैट फॉर्म, दैट पर्सन विल बी आंसरिंग, और ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आई एम हैविंग माई टीम, माई ओन टीम. That team will be answering those queries. I will be giving the assignment during the course, and that assignment I will be returning, evaluating, and giving them the grades. ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन करके छोड़ दिया. There is the manual intervention. There is the teacher's involvement there in throughout the course. Assessing is there. Self week daily quizzes होंगी. हर डे के एक लेक्चर, लेक्चर एक आधा घंटे का ही होता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी तीन कोर्स में डिवाइड हो सकता है. एंड दैट टू डेली क्विजेस विल बी देयर, सेल्फ असेसमेंट ताकि वो देख सके. उसके बाद वीक में क्विज होगी, जिस वीक क्विज के नंबर आप जोड़ते हैं. और फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन द बुक OER गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव कम अप विद द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम. इट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द वन MOOC, आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम, you will be awarded credit, 4 credits if 3 month course is there. Subject based course should be there, and you can, a student can gather 20% of his credit or her credit of a semester from the MOOC. 20% yani generally ek credit, ek course to wo kar hi sakta hai har semester mein online. This has been done to cater the needs of the teachers, cater the lack of faculties. Say for example, you are having in your chemistry department, you are not having inorganic chemistry personnel. You can motivate your students to enroll into the SWAM, and there is no fee. Massive open online course, there is no fee of enrollment. कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं लगना है. Just आपका enrollment हो जाएगा, आप course daily के करते रहेंगे, download करता रहेगा. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप खुद पढ़ा रहे हैं, उसमें एनरोल हो जाइए, खुद भी एनरोल हो जाइए, अपने स्टूडेंट को भी एनरोल कर लीजिए. ओके, एंड यू कैन डिस्कस दोस थिंग इन योर क्लास आफ्टर मूविंग द वीडियो. यू कैन डिस्कस, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग यूजिंग द ICT इन योर क्लास विद मैनुअल इंटरवेंशन. फ्लिप्ड लर्निंग, दैट इज वेरी इफेक्टिव. इवन द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ इंडिया can learn those subjects from IIM professors. IIM professors जो है वो learn कर lecture दे रहे हैं, you can learn them. मैं नहीं जा पाता हूँ, नहीं देख पाता हूँ, Howard को lectures को सुन सकता हूँ अगर edX से कर रहा हूँ. फिलहाल तो मैं MOOCs की बात कर रहा हूँ स्वयं की, जिसमें कि Indians के लिए है और Indian ही बना रहे हैं उसको. This is the MOOC, Massive Open Online Course, okay, will be moving. These are the national coordinators. 7 national coordinators. And NPTEL have been given the responsibility for engineering courses, UGC for post-graduation education, CEC, Center for Educational Consortium, for for undergraduate students, NCERT and NIS for 9 to 12, IGNU for out-of-school students, IMB for management studies, and one also there, AICT for non-technical things. Skill-based courses ke liye bhi hai. Camera, photography, like those simple courses. जिनके लिए क्रेडिट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो कोर्स
किसी के काम आ जाए, कोई मैकेनिक का कोई कोर्स कर रहा है तो एसीटी इस तरह का काम कर रहा है कि भाई स्कूटर रिपेयरिंग का कोर्स बना रहे हो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो हाँ भाई ठीक है, आपने वहाँ वो जो बच्चा जो है जो लर्न नहीं कर पाया, जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं है, आप उसे मोटिवेट कर सकते हो दैट बाई दैट वे। सो दीज कोऑर्डिनेटर्स इवन UGC अगर आप अभी देखेंगे नैक वाले, फिर से सुने, आप एक काम सिंपल सा कर सकते हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है अगर सिद्धे सुमन है, एकेडमिक काउंसिल से अपने कुछ कोर्स अप्रूव करवा लीजिए जो MOOC में अवेलेबल है, UGC में पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर अवेलेबल है या अंडर ग्रेजुएशन में अवेलेबल, एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करवाइए उसको या प्रत्याशा में करवा लीजिए, देन यू कैन पुट दोज थिंग्स कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये कोर्स MOOC से चल रहे हैं, दैट विल बी काउंटेड इन योर NAC। अगेन कुछ नहीं करना फिलहाल, तो आप प्रत्याशा में अपने वाइस चांसलर से उसको अप्रूव करवा लीजिए और कोर्स को बच्चों को लर्न एनरोल करवा दिए, पढ़ाइए उसको, नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कर रहा एनरोल, मैं समझ सकता हूँ कहीं उसकी दिक्कत होगी, कहीं आप खुद डाउनलोड करके अपना लेक्चर उसको पढ़ा दीजिए और बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। जल्दी जो है ये एग्जाम जो है ये दोनों के स्टडी सेंटर्स में होने वाले हैं, सब पे जो भी एग्जाम होंगे, जल्दी पेन पेपर एग्जाम से जब भी इसका जो एग्जाम होगा, केवल एग्जाम फी पड़ती है 500 या 1000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं होगी हर एक कोर्स, तो आपके इंस्टीट्यूट की एक ब्यूटी हो जाएगी, एक एड ऑन वैल्यू एडेड चीज हो जाएगी, यस यू आर यूजिंग द ICT बेस्ड MOOC प्लेटफॉर्म फॉर क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन, और वो करने के बाद बच्चे को 4 क्रेडिट मिल जाएगा। अपना हेडेक जहां फैकल्टी कम है वहां आप जिस सब्जेक्ट में फैकल्टी नहीं है उसमें से चूज करा दीजिए और बच्चों को बोलिए हाँ ये मैंडेटरी आपको करना है, दैट यू कैन पुट दैट यू दिस एक्टिविटी यू आर डूइंग इन द NAC में आप ये शो कर सकते हैं, दे आर द व्यू पॉइंट्स देयर एंड यू कैन फ्लैश इन योर वेबसाइट दैट दिस MOOC वी आर गोइंग। UGC इज हैविंग बेड, मैंने आपको शायद शेयर भी किया है कि जो स्वयं के प्लेटफॉर्म में UGC के प्लेटफॉर्म में यू विल हैव ए लिस्ट जिसमें कि जुलाई में जो एनरोल शुरू हुए हैं, हमारे कोर्सेज शुरू हुए हैं स्वयं के जो भी कोर्सेज होंगे, चाहे वो UGC के होंगे CEC के होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में जो जुलाई में होंगे, वो आप अक्टूबर नवंबर तक भी इसमें एनरोल कर सकते हैं ताकि आप दिसंबर में एग्जाम दे सकें, नो प्रॉब्लम बताओ, तो आप उसको अभी भी कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट में दिखा या MOOC के माध्यम, और कुछ नहीं है तो अभी एनरोल नहीं भी हुआ प्रत्याय हो सकता है यूनिवर्सिटी में दिक्कत हो, एकेडमिक काउंसिल में मुझे लगता है दिक्कत हो, ATC प्रस्ताव बढ़ा दिए, मीनवाइल की हम MOOC के प्लेटफॉर्म से हमने बच्चों को जानकारी दी है, लोड करके हमने रिपोजिटरी बना रखी है और MOOC से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग फ्लिप लर्निंग वी आर प्रैक्टिसिंग, तो पूछते हैं आप क्या नया कर रहे हैं, पूछते हैं यस वी आर प्रैक्टिसिंग दी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ MOOC, कोशिश कीजिए। ये तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बता रहा हूँ कि भाई NAC में आपको कैसे करना है, पर एक्चुअली वी कैन गेट द बेनिफिट, केवल कागज ही खाना पूर्ति नहीं, कागज का पेट नहीं भरना है। फिलहाल उस पोर्शन में भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके पास प्रेशर है NAC का, दैट थिंग यू कैन डू, और NAC में पहली चीज तो मैं शायद आपको पता ही होगा कि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको 6 साल हो चुका हो आपके इंस्टीट्यूट को या आपके 2 बैच पास आउट हो चुके हो, अदरवाइज आप सीधे हाथ खड़े कर दीजिए कि भैया हमें तो मिनिस्टर साहब को लिख दीजिए कि सर हमारा कॉलेज तो कर ही नहीं सकता, वो तो मैंडेटरी है, जब तक वो है ही नहीं 5 लाख खर्च होना है, 3 लाख भी इनको गलतफहमी थी मिनिस्टर साहब को, 5 लाख है उसमें जो आपको केवल 5 लाख खर्च करना है, 5 लाख खर्च करके आपको 2 करोड़ मिलने की बात हो रही है, जहाँ तक मेरा डिस्कशन हुआ था कि हिमालयन स्टेट्स के लिए ये पॉलिसी बनी है कि अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं, कोई भी कॉलेज अप्लाई भी कर देता है NAC के लिए, देन दे विल बी गिवन 2 करोड़, प्रेशर है नो डाउट, बट उस प्रेशर के लिए भी काम तो करना पड़ेगा, और देखिए कोई भी चीज NAC में अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे आप पकड़े जाएंगे, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, इतने माध्यम से वो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट गिव द फेक इन्फॉर्मेशन, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट, सबसे पहली बात जितने भी कोर्स कंटेंट है कोर्सेज है वो करिकुलम बेस्ड है, जो अपने सेलेक्ट भी करने हैं वो करिकुलम बेस्ड करने हैं, 9 to 12 तक है डिप्लोमा एजुकेशन, अभी इसका रिसेंट एग्जाम्पल जो है इसके सक्सेस का मैं उदाहरण दूंगा आपको, जो विशिष्ट BTC वाले लगे ना अभी उनको ब्रिज को DLED करना था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यू नो जो इसकी साइट थी वेबसाइट की स्वयं की वेबसाइट क्रैश हो गई क्योंकि एक साथ इतने हजारों एनरोलमेंट हुए, लगभग 25 से 30 हजार एनरोलमेंट की स्वयं की साइट क्रैश हो गई, 2.5 लाख लोगों ने एक साथ DLED किया है MOOC के माध्यम से घर बैठे। अब जो आप लोग आए हैं आगे से आने वाले समय में सब्जेक्ट वाइज रिफ्रेशर कोर्स भी घर बैठे होंगे MOOC से, खैर वो सरकार का स्वार्थ भी है कि छुट्टी भी नहीं देनी पड़ेगी, भेजना नहीं पड़ेगा, घर के बैठे बैठे काम हो जाएगा, और MOOC शुरू हो रहा है अगर आप देखेंगे उसके भी पॉइंट्स है, MOOC अगर आप करते हैं 1 MOOC इज इक्वल टू 1 refresher कोर्स, डूइंग 1 massive ऑनलाइन कोर्स फॉर टीचर्स ऑल्सो, रिमेंबर घर बैठे, खासकर हमारे यहाँ जो है
हमारी जो महिला कलीग्स हैं विमेन कलीग, उनके साथ बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी ऐसी जोड़ी होती है कई बार वो नहीं कर पाती हैं। कम से कम मैं समझता हूँ इट्स वेरी वंडरफुल स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है कि हम घर बैठे अपनी चीज़ों को मूव के माध्यम से कर सकेंगे। और जब हम खुद करेंगे तब हम उसे एक्चुअली समझ पाएंगे, तभी शायद उसे बनाने के लिए हम आगे कर पाएंगे। तो स्किल बेस्ड कोर्स आते हैं, एडवांस करिकुलम सीबीसीएस बेस्ड सिस्टम आते हैं, कुरिकुलम एंड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजंस इन इंडियन अब्रॉड। प्रपोजल्स इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल टीचर्स, देखिए जो बनाने वाले हैं, बनाने के लिए एलिजिबल टीचर्स 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम एटलीस्ट, एंड इन ए डिफाइंड फॉर्मेट अलोंग विद इंट्रोडक्टिव वीडियो 5 मिनट्स। आई विल शो इंट्रोडक्टिव वीडियो। इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल, सजेशंस आर एक्सटेंडेड टू पीआई, फंड्स ग्रांटेड फॉर ईच 20 आवर कोर्स मतलब 40 लेक्चर्स यानी लगभग 3 महीने का कोर्स बनता है, उसके लिए 13.5 लाख रुपए जो है फ्रेश कोर्स के लिए मिलते हैं। 13.5 कंटेंट डेवलपमेंट इवैल्यूएशन स्टार्ट रन एग्जाम सर्टिफिकेशन क्रेडिट ट्रांसफर, इसमें कंसेंट मांगी जाती है सबसे पहले, यू हैव टू गिव द कंसेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट दे विल बी होस्टिंग दैट कोर्स, क्योंकि वो कोर्स